बीआरएस रुकने कौंसिल की कविता ने कहा है कि रियासत में ऐसा कोई घर नहीं जिसे बीआरएस हुकूमत की जानिब से रोबा अमल फलाही स्कीमात से फायदा नहीं पहुंचा। बोधन में खयाम तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल होने के जमन में मुनाकदा तकरीब से खताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आज जो कांग्रेस कायदीन हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस लिए तकारी मुनाकद की जा रही, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया गया है कि जश्न मनाया जा रहा, उनको चाहिए कि टाउन्स और खरियाजात वो रियासत के शहरों में घर घर जाकर मालूम करें। उन्होंने ये चैलेंज किया कि रियासत में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसको हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा नहीं पहुंचा हो। कविता ने कहा है कि हमने अच्छे काम अंजाम दिए जिसकी वजह से सारे मुल्क में तेलंगाना मॉडल को शोहरत हासिल हुई। मुल्क की तमाम रियासतों के अवाम अपनी अपनी रियासतों में तेलंगाना मॉडल पर अमल होता हुआ देखना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत पर रियासत के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कविता ने कहा है कि अदम ताउन की वजह से मजीद कई फलाही इस्कीमात को शुरू करने में ताखिर हो रही, इसके बावजूद हम अपने बलबूते पर अवाम के लिए फायदा मन इख्तराई स्कीमात पर अमल कर रहे हैं।